सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अब तक आप लोग इस मूवी के बारे में पूछ रहे थे, तो अब मेकर्स ने खुद ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया। जब मैं बात कर रहा हूँ ओडियन इंडस्ट्री की मच अवॉइडेड मूवी जिसका नाम है भाई, एंड जिसको देखने के लिए लोग काफी एक्साइटेड है। टीजर के बाद जो भाई क्रेज गया है इस मूवी को लेके भाई, वो अलग ही लेवल है। उसके बाद से इस मूवी को लेके एक ही नारा लग रहा है, भाई को एज ए पैन इंडिया रिलीज करना है, भाई को हिंदी के अंदर रिलीज करना है। इसका हिंदी ट्रेलर राव क्या है ये वो सभी। तो आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आखिर में ऑफिशियल अपडेट किया है तो क्या किया है। तो आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर ये पोस्टर देख सकते हो, जहां पे मुझे लग रहा है कि शूटिंग खत्म हो चुका है उसका ही शायद से एक पोस्टर यहाँ पे शेयर किया है। तो इस पोस्टर के अंदर भाई मूवी के स्टार कास्ट के साथ साथ और भी क्रू मेंबर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जो की काफी ज्यादा जोश में इस पोस्टर को यहाँ पे लेके किया गया। आई होप की इस पोस्टर को रिलीज करके वो लोग यही हिंट देना चाहते हैं कि ट्रेलर बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है, ट्रेलर आ रहा है, यही शायद से हो सकता है। एंड काफी एक्साइटेड हैं सभी लोग एंड चाहते हैं कि ट्रेलर जब रिलीज हो वो हिंदी के अंदर भी आए। तो आई होप कि बहुत ही जल्दी हमें भाई मूवी का ट्रेलर देखने को मिले, और मेकर्स भी शायद से ट्रेलर को रिलीज करने के बारे में ही सोच रहे होंगे कि नेक्स्ट हमें ट्रेलर ही देना है। आई होप सभी ट्रेलर रिलीज होगा। और अगर भाई मूवी के मेकर्स ने ये चीज सोच लिया है कि हमें हिंदी के अंदर रिलीज करना है, कि आप करेंगे या फिर बाद में करेंगे, ये चीज अगर सोच लिया है तो भाई आज ना हो कल आपको देखने को जरूर मिलेगा। ये ओडिया के अंदर पहले रिलीज हो उसके बाद रिलीज हो या फिर एक साथ रिलीज हो, आप लोगों को ये चीज देखने को मिलेगा। जैसे हमें दमन देखने को मिला, इतना इंतजार हमने किया, उसके बाद ये अब इंतजार की घड़ी हमारी खत्म होगा और 3 फरवरी को दमन हमें देखने को मिलेगा। ठीक इसी तरीके से ये भी आने वाला। और एक चीज सोच के देखो दोस्तों, हम तो कह के खल्लास हो जाते हैं लेकिन ये सभी चीजें एग्जीक्यूट करना काफी मुश्किल होता है। तो हम तो कह के और हाइप उठा के छोड़ दे रहे ना, बाकी तो ये सभी चीजें मेकर्स को करना पड़ता है। और जितना मुझे लग रहा है कि ट्रेलर रिलीज के बाद जिस हिसाब से रिस्पॉन्स आएगा उस हिसाब से ये लोग डिसीजन लेने वाले हैं। यानी ट्रेलर रिलीज के बाद लोगों की तरफ से भी देखना होगा कि किस तरीके से रिएक्शन देखने को मिलता है, सपोर्ट आता है, क्रेज देखने को मिलता है इसको लेके, जिस हिसाब से दमन का हुआ था ठीक इसी तरीके से इसका भी होता है या फिर नहीं। एंड उसके बाद ही शायद मेकर्स डिसीजन लेंगे कि इसको डायरेक्टली रिलीज करना है या फिर ओडिया के अंदर रिलीज करके मूवी को दिखाना है कि हमारा कंटेंट कितना अच्छा है। दिखाने के बाद वो शायद से फिर जाके इसको हिंदी के अंदर रिलीज करेंगे, ये भी हो सकता है। तो अभी ये बहुत बात की बात है, तो अभी जब आएगा तब देखेंगे। तो फिलहाल अभी ट्रेलर आ रहा है, आई होप सो कि कमिंग सून आएगा। और जैसे ही मेरे को ट्रेलर को लेके पक्का न्यूज मिलता है, ऑफिशियल कुछ अपडेट मिलता है, मैं कोशिश करता हूं उनके मेकर्स के साथ कुछ वार्तालाप करने की, देखते हैं क्या होता है। तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट अगर बना रहा तो हम ऐसे ही अच्छे अच्छे चीजों को सपोर्ट करते जाएंगे। तो आप लोग क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना है। कुछ अगर आप लोगों को पूछना है उस मूवी के बारे में, ट्रेलर के बारे में कुछ अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आप लोगों का काम यहाँ पे खत्म नहीं होता, कमेंट करके मुझे बताना कि क्या सीन चल रहा है। अगर आप लोग कुछ पता है तो मुझे जरूर से बताइएगा। और इंस्टाग्राम का लिंक एज ए डिस्क्रिप्शन है, तो वहां पे भी जाकर मेरे को फॉलो कर सकते हो, बता सको। तो आज के लिए इतना। अगर आप लोग वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और जैसे मेरे कुछ पता चलता है मैं जरूर से आपको अपडेट कर देने वाला हूं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।